तो चलिए फिर से हम लोग शुरू करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल। ये न्यूमेरिकल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा ये न्यूमेरिकल लगभग जो इंट्रेंस एग्जाम होता है इंजीनियरिंग का, IIT सब में इसमें पूछा जाता है, और JEE Main में भी कभी कभी ऐसा न्यूमेरिकल पूछ लिया जाता है। चलिए तो सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे ये न्यूमेरिकल, लेकिन उससे पहले क्या कीजिए, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, इसके साथ साथ वीडियो को लाइक भी करें। हम लोग शुरू करते हैं। कहा गया एक जो है क्या इंक्लाइन प्लेन है, ए बॉडी स्लाइडिंग ऑन ए स्मूथ इंक्लाइन प्लेन। एक बॉडी है जो स्मूथ इंक्लाइन प्लेन पर स्लाइड कर रही है, ठीक है। चल हम लोग देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। कहा गया एक इंक्लाइंड प्लेन, ये बन गया इंक्लाइंड प्लेन, और ये है जमीन, और ये है एंगल थीटा, ठीक है। एक बॉडी है, ठीक है। यहाँ से हम लोग लेते हैं ए से बी का जो डिस्टेंस है वो ले लेते हैं एस, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट आप कह दीजिए कि यहाँ से यहाँ का डिस्प्लेसमेंट हम लोग क्या ले लेते हैं एस, ठीक है। और ये है आपका सी जो 90 डिग्री है। अब समझिए क्वेश्चन में क्या कहा गया। क्वेश्चन में ये कहा गया कि कोई पार्टिकल है जो ए से बी स्लाइडिंग करते हुए जाती है, जब पार्टिकल ए से बी स्लाइडिंग कर लेती है तो उनको टोटल टाइम जो लगता है वो टाइम लगता है 4 सेकेंड। कितना सेकेंड? 4 सेकेंड, ठीक है। अब क्वेश्चन ये कहा गया कि अगर वही पार्टिकल टॉप से, ये हुआ टॉप आपका, ऊपर मतलब हुआ टॉप और नीचे मतलब हुआ बॉटम, नीचे में क्या हुआ बॉटम। अब वही क्वेश्चन को रिपीट करते हुए ये कहा जा रहा है कि अगर वही पार्टिकल जितना भी डिस्टेंस है ये टोटल डिस्टेंस का 1/4 डिस्टेंस अगर कवर करे तो उसको कवर करने में कितना टाइम लगेगा। अब कितना डिस्टेंस कवर करना है इसको, s/4 डिस्टेंस। मान लेते हैं s/4 यहाँ तक आता है, ये मान लेते हैं पॉइंट डी है, ये है s/4। s/4 डिस्टेंस कवर करने में पार्टिकल को कितना समय लगेगा। तो हम लोग ये मान के चलते हैं कि s/4 डिस्टेंस कवर करने में पार्टिकल को जो है t-सेकेंड समय लगा। कितना समय लगा? t-, समय कितना लगा है t-, कहाँ से कहाँ तक? a से d तक। चलिए अब हम लोग सिचुएशन क्रिएट करते हैं, सिचुएशन तो दिखा दिए हैं, अब सबसे पहले सिचुएशन पर आते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर पार्टिकल को हम रख रहे हैं तो उनको स्लाइड कौन करवा रहा है, पार्टिकल को हम यहाँ रखें तो इनको स्लाइड कौन करवा रहा है, ग्रेविटी के कारण, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और यहाँ जो ग्रेविटी का जो एक्सेलरेशन होगा वो जी के बराबर नहीं होने वाला, क्यों? क्योंकि ये जो है थोड़ा सा कितना है एंगल थीटा पर है। यहाँ जो एक्सेलरेशन होता है वो एक्सेलरेशन जो होता है वो होता है जी साइन थीटा के बराबर। किसके बराबर? जी साइन थीटा के बराबर। एक्सेलरेशन जो यहाँ होने वाला है वो होने वाला है आपका जी साइन थीटा। अब यहाँ से दो सिचुएशन है। पहला सिचुएशन में टोटल डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट एस कवर किया गया और टाइम जो लगा उसको 4 सेकेंड लगा। कितना सेकेंड? 4 सेकेंड। दूसरा सिचुएशन क्या है, s/4 डिस्टेंस कवर करना है। कितना? s/4 डिस्टेंस कवर करना है, लेकिन इसमें टाइम नहीं बताया गया है और हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि टाइम t- लगेगा, ठीक है। चलिए हम लोग यहाँ से फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ जो इनिशियल वेलोसिटी है वो जीरो है। क्या है? जीरो। जो टोटल डिस्टेंस है वो s है, s इजिकल टू इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, टाइम भी जीरो है, ओ टाइम यहाँ है 4 सेकेंड प्लस हाफ, एक्सेलरेशन जो है वो आपका है जी साइन थीटा है, और समय जो लगा है पूरा फुल डिस्टेंस कवर करने में वो कितना लगा है 4 सेकेंड। कितना? 4 सेकेंड। और इसका स्क्वायर कर देते हैं तो s बराबर ये पूरा पार्ट तो जीरो हो जाएगा, जीरो प्लस हाफ जी साइन थीटा, ठीक है। देखिए 0 × 4 तो 0 हो गया, प्लस तो प्लस, हाफ एक्सेलरेशन जो था ये कर्व्ड पाथ है, कर्व्ड नहीं है, थोड़ा सा झुका, इंक्लाइंड है थीटा एंगल पर। जब भी कोई चीज थीटा एंगल पर इंक्लाइंड हो जाता है तो उसका एक्सेलरेशन भी बदल जाता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यहाँ ये स्थिति में क्या होता है जी साइन थीटा हो जाता है, ठीक है। हम इसका कंपोनेंट भी करने जानते हैं, देखिए ये है आपका जी इधर आने वाला था, देख लीजिए
ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल क्या हो जाएगा, थीटा होगा। तो ये जी कॉस थीटा होगा और इधर जाने वाला एक्सेलरेशन कितना होगा, जी साइन थीटा, और ये है आपका जी, ये जी का ही कंपोनेंट जी साइन थीटा है। ये कौन सा, इंक्लाइंड पाथ पर, ये पाथ इंक्लाइंड पाथ है, इसीलिए यहाँ का एक्सेलरेशन जो है वो जी साइन थीटा हो गया। ठीक है, ये इंक्लाइंड पाथ का एक्सेलरेशन है। और टी 4 स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 होगा, 2 से जब इसको काटेंगे तो 2 8 16, तो 8 हो गया, तो एस इजकल टू 8 जी साइन थीटा। ठीक है, चलिए एस का वैल्यू आ चुका है। अब हम लोग क्या करते हैं, एस बाई 4 के लिए फॉर्मूला लगाते हैं। यहाँ से फिर भी इनिशियल वेलोसिटी 0, यू टी डैश प्लस हाफ ए टी डैश स्क्वायर। एस का वैल्यू कितना है, 8 जी साइन थीटा बाय 4 इजिकल टू इनिशियल वेलोसिटी 0 इंटू टाइम पता नहीं है प्लस हाफ जी साइन थीटा टी डैश का स्क्वायर। 4 2 2 जी साइन थीटा इजकल टू हाफ जी साइन थीटा इंटू टी डैश का स्क्वायर। जी साइन थीटा से जी साइन थीटा कटा, ये 2 2 2 इंटू 2 आ गया टी डैश स्क्वायर। तो कितना हो गया, 4 टी डैश का स्क्वायर, स्क्वायर इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, टी डैश। अब देखिए टी डैश इक्वल टू यहाँ कितना होगा, 2 इंटू 2, टी डैश बराबर 2 सेकेंड। तो 2 सेकेंड हो गया एस बाई 4 डिस्टेंस आने में। ठीक है, चलिए